रेप थ्रेट्स मिले मेरे को सिक्योरिटी भी नहीं है मेरे पास पर फिर भी मैं लड़ती रही अकेले लड़ती रही और मैं डर जाऊंगी। जब आप ऐसे लड़ती पार्टी बट अ पर्सन विद होम यू हैव वर्क फॉर ऑलमोस्ट टू डेकेट डू यू फील दैट लेट डाउन बाय हिम 2006 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग खत्म करी थी और मैं देश के लिए कुछ करना चाहती थी मैं लोगों की सेवा करना चाहती थी मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिली और 2006 से उनके साथ काम कर रही हूँ सात साल तक मैं जुगियों में रही हूँ और मैं जुगी में ही रहती थी मैंने अपना घर भी छोड़ दिया था और मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे मैंने सूचना के अधिकार पे लड़ाई लड़ी राशन की लड़ाई लड़ी महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी और जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट हुआ तो उस पूरे मूवमेंट में बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े एक तेईस मेंबर की कोर कमेटी बनाई गई और उस कोर कमेटी की यंगेस्ट मेंबर मैं थी पूरा एंड मूवमेंट का मैं संभालती थी कभी सामने भी नहीं आई हमेशा पीछे से मैंने काम करा इतना संघर्ष करा है उसके बाद दिल्ली महिला आयोग में आई पूरे देश ने देखा है कि कैसे कितनी बार अपनी पार्टी से भी मैंने बहुत तीखे सवाल पूछे और मैंने काम करा मैं ये संघर्ष के साथ आज मैं जहाँ पे हूँ वो बनी पर आज मैं बहुत आहत हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ जिन लोगों के साथ मैंने इतने साल काम किया उन्होंने जब मेरे को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया तो मेरा साथ नहीं दिया मुझे अकेला कर दिया आज मैं पूरी तरीके से अकेली हूँ मेरे साथ कोई नहीं है क्योंकि 20 साल से मैं जिस पार्टी में काम कर रही हूँ वही पार्टी में मेरे दोस्त भी हैं मेरे एक एक दोस्त को कॉल करके धमकाया जा रहा है कि अगर उसके साथ दिख गए अगर उसके साथ कोई उसके फेवर में ट्वीट तक कर दिया तो तुमको छोड़ेंगे नहीं तुम्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा तो पूरी तरीके से अकेला कर दिया मुझे और मेरे परिवार को इतने रिस्क पे डाला यहाँ तक हुआ कि मेरी जो मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है लेकिन मेरे जो रिलेटिव्स हैं जिनके साथ रह रही हूँ उनके पास गाड़ियाँ तो उनकी गाड़ी से मैं अलग अलग जगहों पे गई अभी 164 स्टेटमेंट कराने तो उनकी गाड़ियों के डिटेल्स भी फ्लैश करे गए हद कर दी मेरे सारे दोस्तों को कॉल कर कर के बोला जा रहा है इसकी कोई पर्सनल वीडियो दो इसकी कोई पर्सनल फोटो दो डांस करते हुए वीडियो दो कुछ भी दो कुछ भी निकालो यूएस गई थी तो यूएस में जहाँ पे आम आदमी पार्टी वॉलेंटियर्स के साथ रुकी उनको फोर्स कर करके प्रेशराइज़ करा जा रहा है कि कोई तो वीडियो निकाल के दो कुछ तो दो तो पूरी की पूरी मशीनरी को और एक पूरे के पूरे ट्रोल मेकनिज़म को मेरे ऊपर छोड़ दिया गया है तो मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा आहत हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं आज इतनी लड़ाई लड़कर भी क्योंकि मैं सत्ता के सामने नहीं झुकी क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मुझे पावर और बाकी चीज़ों से चुप कराया जा सके मैं सिर्फ अपने सच के लिए लड़ी तो आज मेरी ये हालत कर दी गई है कि मैं बस अकेली हूँ मेरे साथ कोई नहीं है

Foreign funding, and he knows too much about the funding which has come in from different parts of the world, and that is what makes him so powerful and so imperative to have next to him. इसलिए शायद केजरीवाल जी विभव के अगेंस्ट कुछ नहीं कहेंगे, चाहे जो मर्जी विभव ने किया हो क्या ये हो सकता है इसमें तो कोई शक नहीं है कि विभव उनका बहुत राजदार है और जो भी है सब विभव को पता होता है इसमें तो कोई शक की बात नहीं है uh, क्या हुआ क्यों हुआ किस लिए वो उनको बचा रहे हैं ये तो अब इन्वेस्टिगेशन का मैटर है जिस तरीके की मेरी विक्टिम शेमिंग और कैरेक्टर असैसिनेशन करा जा रहा है और जिस तरीके से मुझे बार बार इंटिमिडेट कराया जा रहा है मेरे हिसाब से ये किसी को भी शोभा नहीं देता मैं ये भी बोलना चाहूंगी क्योंकि मैंने देखा कि कैसे एक मेल मंत्री सौरभ भारद्वाज उन्होंने एक ट्वीट को रीट्वीट करा ट्वीट पार्टी के बहुत एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हैंडल्स से ट्वीट करवाया गया जिसमें ये लिखा था कि देखिए मेरी फोटो दिखाई गई कि देखिए इसकी शर्ट में बटन नहीं है तो जो मेल मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि हम तो यही कह रहे हैं देखिए नहीं है यही तो इसी तरीके से तो कॉन्ट्रोडिक्शंस हैं जो केस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि केस झूठा है मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक पुरुष मंत्री को क्या ये शोभा देता है क्योंकि जब उन्होंने ये करा तो सब ने जूम करके देखा मेरे चेस्ट को कि यहाँ पे बटन है या नहीं क्या ये शोभा देता है मतलब मंत्री बैठकर अब औरतों के बटन हैं या नहीं इसके ऊपर बातचीत करेंगे और उनको भी बता दूं और सबको बता दूं कि जो मेरे कपड़े थे वो पुलिस के पास हैं इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें बटन थे भी और वो बटन खुले भी थे मैं ये समझ नहीं पा रही कि इस तरीके से क्यों विभव के सपोर्ट में पूरी की पूरी पार्टी है ये वही पार्टी है जो मेरी पार्टी है ये वही पार्टी है जो हमारे खून और पसीने से बनी हुई पार्टी है हम 2012 में निर्भया के लिए सड़कों पे उतरे थे मैंने खुद लाठी खाई है बहुत बुरी तरीके से मेरे साथ चार्ज हुआ था वो पार्टी आज विभव कुमार को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के साथ सड़क पर उतरती है महिला नेता सड़क पे उतरते हैं तो मेरे बहुत सारे सवाल हैं और मैं इस वक्त बहुत आहत हूँ मैं बहुत अकेली हूँ और मुझे धमकाया गया था कि तुम्हें ख़त्म कर देंगे पर मैं इतना बता दूँ कि मैं ख़त्म नहीं होंगी मैं सच बोल रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि सच में बहुत शक्ति है और अंत तक लड़ूंगी एक पॉलिटिशियन uh, ने ये भी कहा है कि आप पे प्रेशर डल रहा है एक चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि आप पे प्रेशर डल रहा है कि किसी तरह आप कॉम्प्रोमाइज करें ये कई बार होता है विक्टिम्स के साथ जब वो बोल जाते हैं तो देर इज प्रेशर फ्रॉम आइदर फ्रॉम द पर्सन हु हैज डन द क्राइम और एल्स फैमिली मेंबर्स कि आप कॉम्प्रोमाइज करो इसी क्योंकि इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फाइट दिस यू नो इट टू तो क्या आपको आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आप तैयार होंगे या आपको जस्टिस चाहिए मैम ये जो मेरी ट्रोलिंग कराई जा रही है जो विक्टिम शेमिंग कराई जा रही है जो रोज़ रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करी जा रही हैं वो मेरा कैरेक्टर असासिनेशन करने के लिए करी जा रही हैं और वो इसलिए किया जा रहा है जिससे कि मैं दबाव में आऊं और मैं अपना मैटर ख़त्म करूं यही चीज़ तीन दिन तक मुझे डराया गया था कि अगर तुमने बोला ये तो बहुत बड़ी मशीनरी है तुम्हें झूठा साबित कर देंगे सब कुछ होगा गलत वीडियोज़ आएंगी सब कुछ बोला गया था लेकिन मैं तब भी नहीं डरी और मैं आगे भी नहीं डरूंगी मैंने जो बोला है एक एक शब्द उस एफ में बिल्कुल सच है और मैं बोल रही हूँ मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट करा दीजिए मेरा नार्को टेस्ट करा दीजिए मेरा जो टेस्ट कराना है करवा लीजिए मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ और मैं क्योंकि सच बोल रही हूँ मैं किसी से नहीं डरूंगी इन्हें ये लगता है कि ये हर इंसान सत्ता के सामने झुक जाएगा किसी को भी कुछ भी करवा दो मार दो पीट दो उसका कैरेक्टर असैसिनेट करवा दो उसके परिवार को बुरी तरीके से टॉर्चर करो क्योंकि इस सब में तो मेरा परिवार के बारे में सोचिए कि मेरे परिवार का क्या हाल हो रहा होगा लेकिन हम लोग थोड़ी अलग मिट्टी से बने हैं और मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ मेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और मैं अंत तक लड़ूंगी और मुझे पता है इस लड़ाई में मैं अकेली हूँ मुझे पता है मेरा कोई साथ नहीं देगा मुझे पता है कि ये लड़ाई मुझे अकेले ही लड़नी पड़ेगी क्योंकि मैंने सारे सर्वाइवर्स को देखा है उनको अकेले लड़ते हुए देखा है उनको वो हर दिन हर पल वो दुख और एक एक डेस्परेशन एक हेल्पलेसनेस मैंने उनके अंदर देखी है बट इट्स ओके इन्हें लगा था कि इस तरीके से मारपीट कर एक फाइटर को ये विक्टिम बना देंगे लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं फाइटर हूँ फाइटर थी और फाइटर रहूंगी अकेले लड़ूंगी किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे मैं अकेले लड़ूंगी लेकिन मैं ज़रूर लड़ूंगी आप सत्ता के बारे में बत, बात कर रही थी आ, कुछ लीक्स आई हैं फ्रॉम सोर्सेज इन आम आदमी पार्टी की शायद हो सकता है कि आपको कहा गया हो कि राज्यसभा की सीट आपको यू हैव टू गिव इट अप क्योंकि किसी और किसी खास वकील के लिए वो आ, सीट चाहिए वॉज दैटू देखिए अगर मेरी राज्यसभा की सीट उनको वापस चाहिए थी अगर वो प्यार से मांगते तो मैं जान दे देती एमपी एम तो बहुत छोटी बात है और मेरा अगर आप पूरा करियर देखेंगे तो मैंने कभी भी कोई भी पद की लालसा नहीं दिखाई अपनी जिंदगी में 2006 में इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर मैं तब जुड़ी थी जब कोई जानता नहीं था किसी को तीन लोग थे ले देखे उनमें से मैं एक थी तो मैं तब से काम करके करती आ रही हूँ जमीन पे काम करती आ रही हूँ 2006 से लेके 2012 तक मैंने सारे ऑपरेशन रन करे हैं आई वॉज एब्सल्यूटली द मोस्ट part पार्ट ऑफ three और फोर पीपल डिड they नॉट डिड यू नॉट सी एनी साइंस ऑफ दिस जब प्रशांत भूषण शांति भूषण के साथ वायलेंस हुआ जब और भी किस्से थे When इट was agitational पॉलिटिक्स समटाइम्स बिकम्स vicious, राइट right? डिड यू नॉट सी दाइंस की ऐसे हो रहा है आई एम नॉट एक् बट आई एम जस्ट आस्किंग यू की कभी आपको डाउट लग रहा था कि कुछ लोग बहुत ज्यादा पाफुल हो गए हैं कुछ लोग जरूरत से ज्यादा बुलिंग कर रहे हैं पार्टी में डिड यू सी साइंस ऑफ दिस सो आई कम्पलीट द्वेश्चन तो मेरे को एम पी शिप की कोई लालसा नहीं है ये मुझे प्यार से बोलते तो मैं हर हाल में रिज़ाइन कर देती मुझे कोई समस्या नहीं है मुझे नहीं लगता कि कोई पद में मैं बंधी हूँ मेरे को लगता है कि मैंने बहुत काम किया है और मैं काम बिना पद के भी कर सकती हूँ लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मुझे मारा और